and welcome back to my channel तो अपडेट तो फट हाँ मिलती रहे अच्छा ना रेडियो की तरफ बोला मैंने क्या आइए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे चालकुलटलमेंट के बारे में अब आपके दिमाग में आया होगा ये कल्चर है क्या भाई चालकुलट है क्या सेटलमेंट का मतलब तो ये है कि जो कल्चर कल्चर के लोग जहां रहते होंगे, तब क्या है? है है तो तो देखिए जैसे-जैसे पीरियड पीरियड, एंड हुआ, है ना? इसके पहले वाले चैप्टर में तो प्लीज तो तो कि कॉपर पे स्टोन पे बेस्ड थे वो इम्प्लीमेंट होने लगे मतलब स्टोन पे बेस थे वो सारे कई सारे कल्चर्स जो थे वो आने लगे ऐसा कल्चर कहने लगा चालकोलिथिक ठीक है जो कॉपर और स्टोन के इम्प्लीमेंट पे बेस था उसे हम लोग चालकोलिथिक कल्चर बोलने लगे जिसका मतलब होता है स्टोन कॉपर फ्रेस ठीक है चालकोलिथिक का मतलब स्टोन कॉपर फ्रेस या फिर कॉपर स्टोन फ्रेस अब चालकोलिथिक कल्चर के बाद आपका ब्रॉन्ज एज हड़प्पन कल्चर ये सब तो बात की बातें हैं सबसे पहले आप क्या समझेंगे चालकोलिथिक कल्चर का मतलब कॉपर स्टोन फ्रेस ठीक है स्टार्टिंग सेटलमेंट कहा देखने को मिले तो साउथ ईस्ट राजस्थान में दो साइड मिले ठीक है आहार और गिलुंद या आपका जो आपका बानस वैली है उसके ड्राई जोन्स में सूखे इलाके में वहां पे मिलती है उसके बाद वेस्टर्न पार्ट जो कि मध्य प्रदेश का है उसमें आपका जैसे मालवा हो गया कायथा हो गया ईरान हो गया यहाँ पे सब ये साइड देखने को मिली उसके वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी देखने को मिली जैसे कि जोरवे जोरवे कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था अभी बात करेंगे निवासा दैमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चंदोली इनाम गांव और सोनगांव पुणे डिस्ट्रिक्ट नासिक में मिलता है फिर आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद काफी फेमस साइट है बाकी ईस्टर्न इंडिया की बताऊं तो चिरांद गंगा के ऊपर आप चिराद साइट ये बिहार में पड़ती है उधर पांडू राजर दिवी आपका बुद्वान बुर्दुवा, डिस्ट्रिक्ट और महिस दाल इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा तो ये सब सेटलमेंट थे अब चालकृतिक कल्चर्स में क्या होता था क्या नहीं होता था उस बारे में बात करते हैं तो देखिए लोग उस समय के छोटे छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स को यूज करते थे वेपल्स को यूज करते थे है ना और स्टोन बेस्ड इंडस्ट्री काफी ज्यादा फ्लरिश हुई उसमें और एरियाज जो है वो हिल्स और रिवर एंट्रैक्ट के पास मतलब नदी वदी के पास हो गया या हिल्स के पास हो गया ये सब कल्चर उसी टाइम का वहीं पे ही होता था ज्यादातर तो क्योंकि स्टोन पे बेस था तो ऑब्वियसली भी कहीं और जाते ही नहीं थे ये लोग कॉपर टूल्स कई सारी साइड्स में देखने को मिले हैं लोग बहुत तरह के पॉटरी यूज करते थे जैसे कि आप उनमें से एक ब्लैक और रेड पॉटरी है है ना वाइडली प्रिवेलेंट थी बहुत ज्यादा यूज करते थे लोग उस समय है ना पॉइंट टू पॉइंट यहाँ देखिए बात हुई है सीधी बात नो बकवास कोई अलतू फालतू घुमा के बात नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कम शब्दों में उसको कम्प्लीट यहाँ पे हम कर लेंगे जो लोग मध्य प्रदेश के थे महाराष्ट्र के थे वो पॉट्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे डिशेस के स्टैंड है ना डिशेस ऑन स्टैंड और बोल्स ऑन स्टैंड वगैरह काफी प्रोड्यूस करते थे लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे जैसे कि आपका पकाउ हो गई शीप हो गई बफेउ हो गई पिग्स हो गए है ना साथ ही साथ ये हिरण को मतलब डियर को भी हंट करा करते थे कैमिल के रिमेन्स भी देखने को मिले हैं ठीक है ऊंट भी यहाँ पे देखने को मिला है बात बात तो क्लियर नहीं नहीं है कि कि हॉर्स रखते रखते थे कि नहीं रखते थे इस बात के बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है साथ ही साथ ये कुछ फूड ग्रेन भी कल्टीवेट करते थे जैसे हमने पहले भी बात करी वीट और राइस तो आ ही किया था बाजरा रागी साथ ही साथ कुछ पल्सेस भी यहाँ पे कुछ दालें भी यहाँ पे आ गई थी लोग जो नवदा टोली के हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है नवदा टोली ये बेर और लिंसिड भी प्रोड्यूस करते थे कॉटन तो आज भी डकन में है तब भी डकन में प्रोड्यूस होती थी है ना डन एरिया में प्रोड्यूस हुआ करती थी फिश हुक्स वहां मिले हैं कहीं पे आपका जो है वो ईस्ट इंडिया की बात अगर हम करें बंगाल साइड की तो वहां पे फिश हुक्स मिले हैं राइस वगैरह देखने को मिला है है ना तो इससे क्या लगता है कि वहां के जो लोग थे ईस्टर्न इंडिया के वो फिश वगैरह मच्छी भात खाते थे है ना फिश और राइस खाया करते थे ये सारे लोग जो है ब्रिक इनको नहीं पता था है ना उससे इनका थोड़ा तालुकात कम थे और ज्यादातर इनके जो हाउसेस थे वो मिट्टी के मतलब मड ब्रिक्स के बने होते थे है ना बाद में क्या हुआ बाद के फ्रेस में हम देखते हैं कि पांच कमरे हैं है ना घरों में पांच कमरे हैं जिसमें कि चार रेक्टेंगल कमरे हैं एक सर्कुलर कमरा है तो दिखाता है कि फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी तभी तो इतने बड़े बड़े कमरे होते थे अभी जोरवे कल्चर जो मैंने आपको बताया उसके बारे में कुछ बताते हैं आपको तो देखिए जोरवे कल्चर ये एक चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है है ना पुराना है चालकोलिथिक्स के उस टाइम के कल्चर का है है ना बहुत बड़े बड़े एरिया में जो है है जो अभी महाराष्ट्र का एरिया है महाराष्ट्र स्टेट का वेस्ट वेस्टर्न वेस्ट इंडिया में वहाँ से ये बिलोंग करता है है ना ये आप कह सकते हो कि नॉर्थ में ये मालवा रीजन तक पहुँचा है है ना मध्य प्रदेश के काफी बड़ा एरिया है एक तरीके से आप ये कह लो हुँ? ये आपका नेम है एक टाइप ऑफ साइट है जिसका नाम है जॉर्वे है ना जॉर्वे कल्चर कहाँ से निकला है जॉर्वे एक साइट है जॉर्वे एक साइट है वो क्या है साइट ये एक विलेज है है ना प्रवारा रिवर पे और प्रवारा रिवर क्या है टिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की है ना उसी के नाम पर यह पड़ा है जॉर्वे कल्चर हर एक जॉर्वे विलेज ये एक न्यूक्टेड सेटलमेंट है जिसमें करीब पैंतीस से ज्यादा घर हैं कई डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं सर्कुलर है रेक्टेंगल है शेप में ना अलग अलग फैमिली रहती हैं और शाल एक एक विलेज इकोनॉमी एक है है ना यहाँ पे भी मतलब आ, यही सब होता था, है ना, बहुत बढ़िया थे, है ना? तो अब माइक्रोलिथ क्या होते हैं पुनः लेक्चर में मैंने बताया फिर बता दू माइक्रोलिथ बहुत सारे छोटे मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज टूल्स होते छोटे छोटे टूल्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं अब इस कल चर में क्या था कि लोग आर्ट ऑफ स्पिनिंग और वीविंग जानते थे है ना इनको बुनना उन्ना आता था कायदे से महाराष्ट्र के जो लोग थे है ना वो अपने मतलब जो बॉडी होती थी जो मरे हुए लोग होते थे उनको अर्नस में यहाँ पे आ, आ, बरी करते थे है ना अपने फ्लोर के नीचे है ना मतलब जमीन के नीचे इनको अर्ड में बरी करते थे अपने घरों में ही है ना अपने घरों की फ्लोर के नीचे इनको अर्न में मतलब इस तरह से कुछ इसमें बड़ी बड़ी करके प्रॉपर डाल देते थे और ये याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्थ साउथ पोजीशन में ठीक है नॉर्थ साउथ पोजीशन में है है ना मतलब यहां पे यहां पे सर और पैर ठीक नॉर्थ साउथ पोजीशन में ये कोई सिमेंट्री वगैरह का यूज नहीं करते थे इस पर्पज के लिए जैसे कि हरप्पन्स करा करते थे है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता था पॉट्स और कुछ दूसरे कॉपर ऑब्जेक्ट्स को इनके साथ रखा जाता था इनकी इसके इसलिए रखा जाता था कि ऐसा मानते थे कि ये दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो भाई ऑब्वियस बात है कि वहां पे इनको कुछ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी कुछ पॉट्स की जरूरत पड़ेगी तो इस वजह से इनको पॉट्स और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स को इसके साथ रख दिया जाता था हुँ? अगर हम साउथ इंडिया के लोगों की बात करें तो साउथ इंडिया के जो लोग थे वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में रखते थे समझ रहे हैं आप ईस्ट वेस्ट पोजीशन में यहाँ पे रखा जाता था हु? लोगों को याद रखिएगा कि महाराष्ट्र वाले क्या करते थे नॉर्थ साउथ और साउथ इंडिया वाले ईस्ट वेस्ट ठीक है अब टेराकोटा फिगर्स जो कि मदर गॉडस की, की हैं और बुल की हैं है ना वहां पे एक बैल की और मदर गॉडस की टेरोकोटा फिगर्स है वो ये बात शो करती हैं कि ये मदर गॉडस और बुल को वर्शिप करते थे इनकी पूजा करते थे और इनको रिलीजियस कल्ट के तौर पे मानते थे अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें चालकोलिथिक फ्रेस की तो देखिए जो चाल्कुलिथिक कल्चर है ना ये आपको पूरे कंट्री में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एलुवियन प्लेन्स और थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में है ना ये थिकली फॉरेस्टेड एरियाज वगैरह बहुत बाद में जो है वो एक्सप्लोर करे गए हैं तो अभी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ये ज़्यादातर जो है इनको कॉपर और स्मेल्टिंग की आर्ट पता थी ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने यूज करा है पेंटेड पॉटरी को है ना दे वर फर्स्ट टू यूज द पेंटेड पॉटरी है ना इन्होंने यूज करा है लोटा का लोटा है ना बट यहाँ पे कोई थाली देखने को नहीं मिली है थाली मतलब जानते ना इसमें खाना खाते हैं लोटा जानते हैं इसमें पानी वानी पीते हैं लोग तो लोटा और था, लोटा मिला है लेकिन थाली का कोई ट्रेस नहीं मिला है साउथ इंडिया में अगर मैं बताऊं तो न्यूलिथिक फ्रेस जो है वो धीमे 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 वो स्टोन कॉपर फ्रेस के साथ मिला था है ना साउथ इंडिया में तो यहाँ देर में आया था तो धीमे 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 वो स्टोन कॉपर फ्रेस के साथ मिल गया पुराने लेक्चर को देखते हुए आइएगा है ना तो कन्फ्यूजन होगी इसलिए यहाँ पे इसको न्यूलिथिक चालकोलिथिक भी बोला जाता है अब लिमिटेशन बताऊ चालकृतिक कल्चर की तो आइए जानते हैं पहली चीज तो ये इनको राइटिंग की आर्ट नहीं पता थी है ना इनको लिखना नहीं आता था और इनको भाई कॉपर को टिन के साथ कैसे मिलाते हैं ये भी नहीं पता था इस वजह से ये ब्रॉन्स नहीं बना पा रहे थे अच्छा एक चीज और विलेज इकोनॉमी है जैसे मैंने बात करा तो मतलब खेती होती होगी खाना आता होगा उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों की बरियर मिला है कि मतलब बहुत सारे बच्चे इस समय मरते थे है ना फूड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी तो इससे लगता है कि इन्फेंट मोटेलिटी रेट काफी ज्यादा था इसका कोई भी रीजन हो सकता है मे बी फ्लड वगैरह आता हो या मे बी इनको मेडिकल नॉलेज ना हो या कुछ भी हो सकता है हम अब देखिए कॉपर एज हमारे इंडिया में अगर बताऊं तो छोटा नागपुर प्लैटो से लेके अपर गंगा प्लेन तक के लिए आपको कॉपर एज मिलेगी है ना मतलब इधर से लेके आप बिहार साइड से ऊपर आ जाओ बट मोस्टली ये आपका गंगा यमुना डुआब में ही आपको देखने को मिलेगी पचास परसेंट समथिंग कुछ ऑब्जेक्ट जो कि हंटिंग के हैं फिशिंग के हैं एग्रीकल्चर के हैं ये आपको देखने को मिलेंगे मतलब मिले ही हैं देखने को उसके साथ साथ ऑकरे कलर्ड है ना गेरुए गेरू जानते हैं ना गेरू के कलर के पॉट जो है अः वो भी देखने को मिले हैं और कुछ मड स्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं कॉपर बेल्ट कहाँ कहाँ है खेतरी राजस्थान में और बिहार में आपको कॉपर बेल्ट देखने को मिलेंगी मिली है मतलब यहाँ पे यहाँ पे अब अब देखिए हुआ क्या है कि अब, है कि कॉपर वगैरह ना और और जो आपका कुछ यूटेंसिल्स वगैरह में आपको ये सब रिलीजियस चीजे देखने को मिली है इससे ये देखने को मिलता है कि शायद हिंदू रिलीजन ऐसा है कि स्टार्ट हुआ है कॉपर एज से है ना तो यहाँ हमने अपना लेसन कंप्लीट करा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिलेगा सिर्फ आयस के नाम से पेज है लाइक करके देख सकते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आराम से देख सकते हैं और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बाकी अगर आप अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स पाना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन करके बहुत ही नाम मात्र के चीज़ों में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन हैव अ वंडरफुल डे है टेक केयर